जड़ानम, आज हम सभी लोग मिलकर जैन शासन का एक महान पर्व वीर शासन जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। वीर शासन जयंती के संदर्भ में हम सभी उस कथा को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत भी तीर्थंकर भगवान महावीर की दिव्य देशना खीर नहीं रही थी और वह 66 दिन बाद विपुलाचल पर्वत पर श्रावण कृष्णा एकम को वह दिव्य ध्वनि हम सभी को प्राप्त हुई और उनके निमित्त बने सबसे बड़े गौतम गणधर, जो उनके समोशरण में जब तक नहीं आए तब तक उनकी दिव्य ध्वनि खिरी नहीं, वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हम लोगों को हुई नहीं, ये कहानी हम सभी को पता है। इस कहानी का निहितार्थ क्या है, इस तरफ भी हमको थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि इससे पता चलता है कि हमारे श्रोताओं के अंदर भी वो उपादान शक्ति वैसी विद्यमान होनी चाहिए, उनका भी पुण्य इतना तीव्र होना चाहिए कि वक्ता चाहे तीर्थंकर जैसा निमित्त था, मौजूद था, लेकिन फिर भी उन श्रोताओं को जो समो शरण में विराजमान थे वो दिव्य ध्वनि सुनने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो सही पात्र जीव था वो उस सभा में नहीं आया था। तो वर्तमान में भी जितने प्रवचनकार हैं, जितने वक्ता हैं, कभी कभी आपने देखा होगा उनके मुख से बहुत अच्छी बात निकल जाती है और कभी कभी उतनी अच्छी बात नहीं निकलती। तो इसमें भी श्रोताओं का पुण्य बहुत बड़ा निमित्त कारण बनता है कि यदि श्रोता भव्य है, उसका उपादान अच्छा है और उसके पुण्य में वो बात सुनने को लिखी हुई है तो निश्चित रूप से वक्ता के मुख से भी वो बात निकलती है, नहीं तो वक्ता ज्ञान रखते हुए भी जानते हुए भी वैसी बात कह नहीं पाता है। तो ये कितना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इस बात पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। और हमारे जो श्रोता वर्ग हैं, हम एक श्रोता के रूप में भी अपने आप को उतनी शक्ति अपने अंदर वैसा उपादान की तैयारी वैसी होनी चाहिए कि हमें अच्छे अच्छे निमित्त भी मिलते जाएं ताकि हमको उस तत्व का बोध हो सके। वीर शासन जयंती के दिन ही वो दिव्य ध्वनि खिरी थी जिससे हमें वह विलक्षण तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, हमारा संपूर्ण द्वादशांग, हमारी जितनी जिनवाणी है उसका आधार वो दिव्य ध्वनि है और वो जो हमारी वाणी है, वो जो द्वादशांग जिनवाणी है, आप सभी को पता है कि वो प्राकृत भाषा में निबद्ध है। तो प्राकृत भाषा हमारे मूल आगमों की भाषा है और अगर दिव्य ध्वनि न खिरती तो वो आगम हमको प्राप्त न होती, इसलिए वीर शासन जयंती के दिन को हम लोग प्राकृत आगम दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो मूल आगम हैं वो इसी दिन हमको प्राप्त हुए थे, ऐसा हम कह सकते हैं, इसलिए हम इसको इस दृष्टि से भी हम इस उत्सव को मनाते हैं। और आज के दिन को मनाने की क्या क्या सार्थकताएं हैं उस पर हम लोगों को गहराई से निश्चित विचार करना चाहिए। कितनी मुश्किल से, कितने आचार्यों के परिश्रम के फलस्वरूप ये हमको जिनवाणी माता प्राप्त हुई है, ये ज्ञान गंगा प्राप्त हुई है। तो मेरा एक निवेदन है कि हमारी जो तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में समर्पित ज्ञान मार्गी संस्थाएं हैं, जो पाठशालाएं चला रही हैं, जो महाविद्यालय चला रहे हैं, जो शास्त्रों का प्रकाशन करते हैं, कितना पुनीत कार्य, कितना अद्वितीय कार्य ये संस्थाएँ कर रही हैं, तो वो संस्थाएँ कभी किसी दबाव में आकर के मार्ग से भटके नहीं, अपने मूल उद्देश्य को न छोड़े। ज्ञान का प्रचार करने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं और जिनवाणी को सुरक्षित रखने का कार्य करने वाली संस्थाएं भी बहुत दुर्लभ हैं, उनकी सीमित शक्ति है, उनके सीमित संसाधन हैं और कार्य करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो पुनीत कर्तव्य है कि हमारी ये ज्ञान गंगा, ये जिनवाणी गंगा, ये निरंतर विद्यमान रहे, निरंतर बहती रहे और भव्य जीवों को तारती रहे,
ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। इसलिए वीर शासन जयंती के दिन इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का भी संकल्प हम सभी को अवश्य लेना चाहिए, ताकि हमारी कभी उत्साह हमारा ठंडा ना पड़े। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे अभी हम जिन ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं वे तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, वो प्रकाशित हैं, लेकिन जैनाचार्यों के द्वारा विभिन्न विषयों पर लिखे हुआ तमाम साहित्य आज भी हमारे शास्त्र भंडारों में, पुस्तकालयों में पांडुलिपि के रूप में सुरक्षित है, हस्तलिखित पांडुलिपि को। और वो कई शास्त्र ऐसे हैं जिनमें ज्ञान का खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहा है क्योंकि लोग उस पर अनुसंधान नहीं करते, उनका संपादन नहीं करते, उनका प्रकाशन नहीं करते हैं। इस तरह की प्रवृत्तियाँ बहुत कम देखी जाती हैं। तो क्यों ना हमारी जो ज्ञान मार्गी संस्थाएँ हैं, जो इस तरह के संकल्प से युक्त हैं, वे सिर्फ पूजा पाठ कराने को ही धर्म प्रचार ना समझें, वो ये समझें कि उनके साथ साथ हमको इस तरह के अनुसंधान कार्य भी अपने यहाँ करने चाहिए। तो वो संस्थाएं चाहें तो अपने यहाँ इस तरह का भी एक विभाग स्थापित कर सकती हैं कि यहाँ पे हमारे विद्वानों का एक समुदाय आएगा और उससे लोग जुड़ेंगे और एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के जिनवाणी माँ के उद्धार का कार्य करेंगे, उसके प्रकाशन का कार्य करेंगे, उसके संपादन का कार्य करेंगे, और हम उनको सभी सुविधाएँ देंगे, वैसा माहौल देंगे। और एक विशाल लाइब्रेरी हर संस्था के अंदर स्थापित होनी चाहिए ताकि वहाँ पर लोग पढ़ सकें, अध्ययन कर सकें और लोगों की रुचि उस तरफ बढ़े। तो हमारी जो संस्थाएं हैं वो अपने ही विषयों में और ऊंचे से ऊंचे कार्यों की करने की तरफ अग्रसर बने, यह हमें वीर शासन जयंती के दिन इस तरह का संकल्प भी लेना चाहिए। आप देखिए, आज पूरे विश्व में जैन दर्शन की धूम है, लोग चाहते हैं जैन दर्शन को समझना, लेकिन उसके लिए हमको उनकी भाषा के माध्यम से ही वो बात समझानी पड़ी। आज हमारे यहाँ शास्त्री विद्वानों का भी एक अच्छा समुदाय उपस्थित हुआ है, जो विद्वान हैं, मूल शास्त्रों को जिन्होंने पढ़ा है और निरंतर स्वाध्याय के माध्यम से जिनका ज्ञान परिपक्व हो गया है। कई विद्यार्थी बहुत आगे तक शोध कार्य भी करते हैं, PhD भी करते हैं, लेकिन उनको वो सब करने के बाद भी वो इधर उधर के कार्य में अपनी शक्ति को लगा देते हैं। उसका कारण क्या है कि उनके रुचि के अनुकूल कार्य करने का अवसर हम प्रदान नहीं करते, तो उनकी प्रतिभा का उपयोग भी हम इस तरह अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से कर सकते हैं। तो हमारी सभी जो भी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, जो भी हमारे ज्ञान की संस्थाएँ हैं जहाँ पर ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है, उनमें एक अनुसंधान विभाग, जैन अनुसंधान जिनवाणी अनुसंधान विभाग भी अवश्य होना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। तो मैं चाहता हूँ कि वीर शासन जयंती के इस अवसर पर हम लोग इस तरह का संकल्प करें। आप देखिए, अगर इस तरह के हम संसाधन मौजूद करेंगे, इस तरह की अनुकूलताएं प्रदान करेंगे, तो हमारे जो अनेक विद्यार्थी हैं जो अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, वो उससे जुड़ करके नित नवीन अनुसंधान का कार्य करेंगे, जिनवाणी का उद्धार करेंगे, और आगे ये हमारी जो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि है, जो उनका द्वादशांग जिनवाणी है, वो आगे आगे उसकी उसका संरक्षण करेंगे, उसका संवर्धन करेंगे और निरंतर भव्य जीवों को प्रेरणा प्रदान करते रहें। इस कार्य के माध्यम से हम स्व का भी कल्याण करेंगे और पर का भी कल्याण करेंगे। तो मेरी तो ये भावना है, हम आज के दिन को प्राकृत आगम दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ताकि हम प्राकृत भाषा को समझ करके हम अपनी जिनवाणी को समझें, उस पर अनुसंधान करें और निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। इसी भावना के साथ हम सभी को, आप सभी को मैं वीर शासन जयंती की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रमो जिनाणम, जय जिनेन्द्र।